साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग में निबंध। रामचंद्र शुक्ल के निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती में छपने लगे थे। उन्होंने निबंध में प्रस्तुत सूत्रों की उपमा पत्ते की नसों से दी है जो परस्पर गुथी होती हैं। शुक्ल जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध मनोविकारों पर हैं। उन्होंने भारतेंदु, प्रेमघन, फ्रेडरिक पिंकाट पर भी लिखा है, लेकिन वे या तो व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय देने वाले हैं या संस्मरण या जीवनी परक। निबंधकार के रूप में शुक्ल जी का योगदान मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण है। इन निबंधों का संग्रह पहले विचार बीथी के नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बाद में चिंतामणि पहला भाग नाम से 1939 ईस्वी में परिवर्धित और संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी के निबंध गंभीर एवं विचार परक होते हैं। मनोविकारों की परिभाषा करना कठिन होता है, किंतु शुक्ल जी प्रायः निबंध का प्रारंभ परिभाषा से करते हैं। वे कोई सूत्र एक वाक्य में प्रस्तुत कर देते हैं और फिर उसकी व्याख्या में प्रवृत्त होते हैं। व्याख्या करके वे आवश्यकता अनुसार सामान्य जीवन खंड से कोई दृष्टांत भी प्रस्तुत कर देते हैं। इससे निबंध का वो सूत्र हृदयंगम हो जाता है। अतीत में रमने की प्रवृत्ति महाराज कुमार रघुवीर सिंह के इतिहास परक निबंधों में मिलती है। उनके निबंधों का संग्रह शेष स्मृतियां के नाम से प्रकाशित हुआ। छायावादी कवियों में प्रसाद के निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध में और निराला के निबंध, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक आदि में संग्रहित हैं। प्रसाद के निबंधों में गंभीर अध्ययन के साथ साथ विचारों की गहराई दिखलाई पड़ती है। प्रसाद ने इन निबंधों में हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। इनका आलोचनात्मक महत्व अधिक है। निराला के निबंधों में सामाजिक साहित्यिक सरोकार के साथ व्यंग्य और क्षोभ मिलता है। महादेवी वर्मा के साहित्यिक निबंध महादेवी के विवेचनात्मक गद्य में संकलित हैं, जिनमें उन्होंने छायावाद, यथार्थवाद आदि पर विचार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और अशोक के फूल
1948 ईस्वी में। द्विवेदी जी निबंधों की रचना स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी करते रहे, किंतु लिखना उन्होंने इसी दौर में प्रारंभ किया। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। उन्होंने निबंध विधा को अपने लेखन से सृजनात्मक साहित्य की कोटि में परिगणनीय बना दिया। उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। अशोक के फूल उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है। वे पहले इस फूल का सौंदर्य बताते हैं, फिर उसका इतिहास, उस इतिहास के बहाने मध्यकाल का सांस्कृतिक इतिहास, तत्कालीन जीवन और फिर सामंती वैभव का खोखलापन, उसकी अमानवीयता, अंत में अशोक के फूल की वर्तमान उपेक्षा। इन सब से वह इतिहास की दुर्दांत और निर्मम धारा का प्रभाव पाठकों के दिल पर छोड़ जाते हैं। यह प्रभाव रचनात्मक कृतियों के प्रभाव जैसा होता है। द्विवेदी जी की एक बहुत बड़ी शक्ति है पांडित्य को पीछे रखकर सहज हो पाने की क्षमता। वे बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक होती है, उसमें पांडित्य और लोक जीवन का सहज प्रवाह दोनों हैं। जैनेन्द्र कुमार, सियाराम शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, सदगुरु शरण अवस्थी आदि इस युग के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। शिव पूजन सहाय सहज सरल शैली के गद्यकार थे। हिमालय, बालक और मतवाला के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी के उन्नयन में महत्वपूर्ण योग दिया है। इस कार्यक्रम की याद रखने योग्य बातें। शुक्ल जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध मनोविकारों पर हैं। निबंधकार के रूप में शुक्ल जी का योगदान मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण है। इन निबंधों का संग्रह पहले विचार बीथी के नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाद में चिंतामणि पहला भाग नाम से 1939 ईस्वी में परिवर्धित और संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी के निबंध गंभीर एवं विचारपरक होते हैं। अतीत में रमने की प्रवृत्ति महाराज कुमार रघुवीर सिंह के इतिहास परक निबंधों में मिलती है। उनके निबंधों का संग्रह शेष स्मृतियां के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रसाद के निबंधों में गंभीर अध्ययन के साथ साथ विचारों की गहराई दिखलाई पड़ती है। निराला के निबंधों में सामाजिक साहित्यिक सरोकार के साथ व्यंग्य और क्षोभ मिलता है।
महादेवी वर्मा के साहित्यिक निबंध महादेवी के विवेचनात्मक गद्य में संकलित हैं, जिनमें उन्होंने छायावाद, यथार्थवाद आदि पर विचार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और अशोक के फूल 1948 ईस्वी में। द्विवेदी जी की एक बहुत बड़ी शक्ति है पांडित्य को पीछे रखकर सहज हो पाने की क्षमता। वे बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक होती है, उसमें पांडित्य और लोक जीवन का सहज प्रवाह दोनों हैं। आधुनिक काल में गांधी युग में निबंध। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अखिल मित्तल और लोचनी अस्थाना। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।